हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिस एच टू ऑल पे। आज हम बात करने वाले हैं ओआरएस लिक्विड और ओआरएस पाउडर के बारे में। गर्मी आने से लोगों को खुश्की और शरीर में पानी की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से शरीर में बहुत सी कमजोरी और चक्कर आने लगते हैं। इस प्रॉब्लम को रिहाइड्रेशन भी कहा जाता है और हमारे शरीर के पानी को पूरा करने के लिए ओआरएस सबसे बेस्ट है। तो इसलिए आज हम आपके लिए लाए हैं ओआरएस टेट्रापैक और ओआरएस पाउडर का फुल रिव्यू। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ओआरएस क्या है, ओआरएस के फायदे, ओआरएस के यूजेस, ओआरएस को बनाने का सही तरीका क्या है और ओआरएस को कब नहीं लेना चाहिए। तो गाइस, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही मेडिसिन से रिलेटेड जेन्युइन और सच्ची इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं। अगर आपको किसी भी मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कोई भी मेडिसिन से रिलेटेड डाउट हो तो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो गाइस, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेडिस एच टू ऑल की इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाकर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। ओआरएस पाउडर का प्राइस 15 रुपीज है, 200 ml ओआरएस टेट्रापैक का प्राइस 28 रुपीज है और इसके अंदर सोडियम क्लोराइड 2.6 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम, सोडियम सिट्रेट 2.9 ग्राम और डेक्सट्रोज 13.5 ग्राम होता है। ओआरएस जिसकी फुल फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, बॉडी में पानी की कमी पर इलेक्ट्रोलाइट को एक लेवल पर लाता है। बॉडी में पानी की कमी होने पर इलेक्ट्रोलाइट का लेवल बिगड़ जाता है। ओआरएस बॉडी में सोडियम और पोटेशियम के लेवल को बनाए रखने का काम करता है। इससे आंतों को ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करने में मदद मिलती है। यह आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर बहुत आसानी से मिल जाएगा। इसको घर पर भी बनाया जा सकता है। ओआरएस से आपको दस्त और उल्टी की प्रॉब्लम में काफी हद तक आराम मिलता है। बच्चों के लिए डॉक्टर मेन फॉर्म से ओआरएस के यूज की सलाह देते हैं। घर में बना ओआरएस मार्केट के ओआरएस के मुकाबले धीरे काम करता है। अगर आपको या आपके बच्चों के बॉडी में पानी का लेवल ज्यादा हो तो आपको मार्केट में मिलने वाले ओआरएस का यूज करना चाहिए। चलिए बात करते हैं अब इन ओआरएस के फायदों के बारे में। जिम और ट्रैक पर पसीना बहाने वालों को अपने साथ ओआरएस घोल की कुछ बोतलों को हमेशा रखना चाहिए। इसको पीने से आप जिम और अपनी प्रैक्टिस के दौरान एक्टिव बने रहते हैं। कई लोगों के शरीर में ज्यादा पसीना निकलने की वजह से ग्लूकोज और नमक की कमी हो जाती है। इन लोगों के शरीर में ग्लूकोज और नमक के दोबारा लेवल को पूरा करने के लिए ओआरएस का यूज किया जाता है। कई लोगों का यह मानना है कि पानी पीने से बॉडी में होने वाली पानी की कमी को पूरा किया जा सकता है, लेकिन इसको पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि पानी में सभी तरह के मिनरल्स मौजूद नहीं होते हैं। जिन घरों में बच्चे होते हैं उन घरों में ओआरएस हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि बच्चों में दस्त होने की संभावना काफी ज्यादा होती है। किसी भी चीज को ना खाने और पीने की सिचुएशन में भी ओआरएस को 2 से 3 दिनों तक दिया जा सकता है। चलिए बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। इसके यूजेस की बात करें तो जब आपके बच्चों के शरीर में पानी की कमी होने पर आपको उन्हें अलग अलग क्वांटिटी में ओआरएस देने की जरूरत होती है। जब आपके बच्चों को एक दिन में 3 से ज्यादा बार दस्त हो तब आप उन्हें ओआरएस का घोल दे सकते हैं। बॉडी में पानी की कमी होने पर 2 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त के बाद एक चौथाई से लेकर आधे कप तक ओआरएस दिया जा सकता है। 2 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को दस्त के बाद आधा कप से लेकर एक कप तक ओआरएस घोल देना चाहिए। ओआरएस को लेने से कुछ साइड इफेक्ट भी महसूस हो सकते हैं, जैसे कि आपका मुंह सूख सकता है, सांस तेज होना, गहरे पीले रंग के दस्त होना, सर्दी जुखाम होना, हाथ पैरों में धब्बे होना और सुस्ती आना। अगर आप ये ओआरएस ले रहे हैं या फिर लेना स्टार्ट करते हैं, अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिर फील होता है तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। इसको बनाने का सही तरीका क्या है? इसको तैयार करने के लिए आपको एक साफ जार में पानी को उबाल लें, वो भी 1 लीटर। पानी ठंडा होने के बाद आप उसमें ये पूरा पैकेट एक साथ मिला लें। और अगर आपको इसका यूज कम करना है तो आप ओनली 1 ग्लास ऑफ वाटर बॉइल्ड करें। पानी ठंडा होने के बाद ग्लास में एक ओआरएस की 1 स्पून
नाप कर 200 ml पानी में ऐड करके ले सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो ORS के पैकेट में लिखे इंस्ट्रक्शन के अनुसार ले सकते हैं। इसको बनाने के लिए केवल साफ पानी का ही यूज करें, इसमें दूध, जूस या सूप ना मिलाएं। ORS और ना इसमें चीनी भी नहीं मिलानी चाहिए। ORS को आप घर में भी बना सकते हैं। आधी छोटी चम्मच नमक, 6 छोटी चम्मच चीनी और 1 लीटर पानी, जिसको उबालने के बाद ठंडा कर लें। इसके बाद आप नमक, चीनी और पानी को तब तक मिक्स करें जब तक यह अच्छे से घुल नहीं जाता। उसके बाद आप इजीली पी सकते हैं। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है तो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो गाइज, ये था ORS टेट्रा पैक और ORS पाउडर के बारे में। ये दोनों ही आपको मेडिकल स्टोर पर बहुत आसानी से मिल जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको किसी भी पॉइंट पे अच्छी लगी हो तो, या फिर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो, प्लीज लाइक शेयर कमेंट करे बिना मत जाना। और गाइज, प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल, अपने फैमिली मेम्बर, जिनको भी अगर रिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है या फिर पानी की लिक्विड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो उनको प्लीज जरूर से जरूर शेयर जरूर करना। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।